पराली जलाने से दिल्ली सहित मैदानी इलाकों की हवा में जहर घुल रहा है। वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। अब दिवाली आग में घी डालने वाला काम करेगी। देश की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण का एक कारण पड़ोसी राज्य हरियाणा और उत्तर प्रदेश हैं। इसी बीच हिमाचल में बद्दी को छोड़कर अन्य जगह हवा शुद्ध है। यही वजह है कि पर्यटक इन दिनों पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। पर्यावरण विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेश कुमार अत्री ने बताया कि हिमाचल प्रदेश के अधिकांश पर्यटक स्थलों की हवा साफ सुथरी है। हालांकि औद्योगिक क्षेत्र बद्दी, नालागढ़ आदि के कुछ इलाकों में हल्की प्रदूषण की समस्या है, जिसके कारण वहां एयर इंडेक्स थोड़ा खराब जरूर है, लेकिन ये क्षेत्र भी धीरे धीरे स्वच्छता की ओर बढ़ रहा है। क्या बोले पर्यावरण विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेश कुमार अत्री, सुनिए। आप ग्लोबल वार्मिंग के साथ एयर क्वालिटी इंडेक्स का अभी कोई ऐसा डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है। मैं बड़े साफ तौर पर कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में हवा का जो बिल्कुल जो गुणवत्ता है बिल्कुल साफ सुथरी है और अच्छी है। हमारा EQI जो है वो ठीक है। कुछ एरियाज में जैसे जो लो एरियाज हैं, बद्दी बरूटी वाला नालागढ़ एरिया है, जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं हमारे, वहाँ पे अब सर्दियों का मौसम क्योंकि शुरू हो रहा है तो उसमें थोड़ा फॉगी टाइप का थोड़ा मौसम होता है। उसमें इस तरह की स्थिति बन जाती है जब टेम्परेचर वेरिएशंस होती हैं और दिन में वो भी इम्प्रूव हो जाता है और सनलाइट अच्छी क्लियर आती है। जबकि जो जितने भी हमारे हिली स्टेशंस हैं, जो पर्यटक स्थल हैं हमारे, वो बिल्कुल उनकी जो AQI है, हमारा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो बिल्कुल वेल विद इन दी लिमिट्स है और बड़ी हेल्दी जो यहाँ का वातावरण है, हवा है, बड़ी शुद्ध है। उसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। अब हिमाचल प्रदेश में अभी जैसे धर्मशाला में AQI जो है वो मीडियम लेवल का है, क्योंकि वहाँ पे भी वो थोड़ा लो लाइंग एरिया, साथ में दाढ़ी और दूसरे वाला एरिया आ जाता है जहाँ विधानसभा का एरिया है। और कुल्लू मनाली में बहुत अच्छा इस वक्त है। शिमला इज ऑल्सो वेरी गुड। एंड इन अदर प्लेसेस जैसे जो मैंने इंडस्ट्रियल एरियाज आपको बताए, वहाँ पे 95 के आसपास और 113 के आसपास जो है हम लोग जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो फिगर कर रहा है। सो इतने कोई खतरे वाली बात जो है वो प्रदेश के लिए नहीं है। प्रदेश की जनता, पर्यटक, हमारे जो अच्छी गुणवत्ता वाली हवा हमारे पर्यटक स्थलों पे इस वक्त बनी हुई है, इसका एंजॉय कर सकते हैं। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।